भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 111 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सेक्शन 111 का टाइटल है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है वो मेंशन है सेक्शन 111 में प्रीवियसली आईपीसी में इस क्राइम का कोई भी मेंशन नहीं था ये न्यूली एडेड क्राइम है जो कि बी के सेक्शन वन में है तो क्या होता है वह इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी होता है जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कौन से एक्टिविटी हो सकते हैं सच एस किडनेपिंग रॉबरी व्हीकल एक्सटॉर्शन लैंड ग्रैबिंग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इकोनॉमिक ऑफेंस साइबर क्राइम्स ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सनस ड्रग्स वेपन्स और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैनसम ठीक है ये अनलॉफुल एक्टिविटी या ऐसे ही कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी उसे ऑर्गेनाइज क्राइम कहा जाएगा कुछ और भी उसमें चीज़ें ऐड हो जाएगा उसके बाद उसे कहा जाएगा कि हाँ ये ऑर्गेनाइज क्राइम होता है क्या चीज़ ऐड होगा वो आइए देखते हैं ये जो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी है ये किसी भी एक पर्सन के द्वारा किया जा रहा है या ग्रुप ऑफ पर्सनस के द्वारा किया जा रहा है या तो अकेले सिंगली किया जा रहा है या जॉइंटली किया जा रहा है या कंसर्ट में किया जा रहा है ठीक है या एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट ठीक है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर के रूप में किया जा रहा है ये ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट क्या होता है ये फर्दर हम लोग देखेंगे अभी के लिए समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर के रूप में भी किया जाएगा और साथ ही साथ वॉयलेंस किया जा रहा है या डर दिया जा रहा है कि हम वॉयेंस यूज़ करेंगे इंटीमिडिएशन कोर्जन और बाय एनी अदर ऑन लॉफुल मीन्स ठीक है और मकसद क्या होता है मकसद है to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit तो इस ऐसे unlawful activity को कहा जाएगा कि ये organized crime है organized crime syndicate का concept है ये क्या होता है organized crime syndicate का मतलब group of two or more persons ठीक है at least दो person होंगे या दो से अधिक person होंगे और वो जो पर्सन होंगे वो या तो अकेले वर्क करेंगे या जॉइंटली साथ में वर्क करेंगे एज अ सिंडिकेट और गैंग सिंडिकेट के रूप में या गैंग के रूप में जो इंडेल्ज होगा किसी भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में तो उसे ही कहा जाएगा ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट आइए अब समझते हैं कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो और वो प्रोहिबिटेड लॉ के द्वारा वो एक्टिविटी यानी वो ऑफेंस कोग्निजेबल ऑफेंस हो जिसका पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट हो तीन साल या उससे ज्यादा ठीक है और वो किसी भी पर्सन के द्वारा किया जाए एक पर्सन हो सकता है एक से अधिक पर्सन हो सकता है सिंगली करे वो या ज्वाइंटली करे और वो वर्क करे एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट या उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के मेंबर के बिहाफ में वर्क करें और उस रिस्पेक्ट में उस चीज़ में चार्जशीट फाइल होना चाहिए एक कंपिटेंट कोर्ट के सामने चार्जशीट फाइल होना चाहिए और चार्जशीट जो होगा पिछला जो दस साल हुआ मिनिमम दस साल के अंदर अंदर में होना चाहिए और जो कोर्ट है होगा वो कोर्ट केवल चार्जशीट फाइल नहीं होगा बल्कि चार्जशीट फाइल होने के साथ साथ उस कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस भी लेना होगा और इस ऑफेंस में इकोनॉमिक ऑफेंस भी इंक्लूड हो जाएगा इसे ही कहा जाएगा कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी ये इकोनॉमिक ऑफेंस में कौन कौन से ऑफेंसेस आ जाएंगे इकोनॉमिक ऑफेंसेस में ये ऑफेंसेस इंक्लूड होंगे सच एस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर्जरी काउंटर फीटिंग ऑफ करेंसी नोट्स बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स हवाला ट्रांजेक्शन Mass marketing fraud or running any scheme to defraud several persons or doing any act in any manner with a view to defraud any bank or financial institution or any other institution or organization for obtaining monetary benefits in any form. अब तक हम लोगों ने समझा कि ऑर्गेनाइज क्राइम होता क्या है अब हम लोग देखेंगे कि किसी पर्सन के द्वारा ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट किया जाता है तो उसे सज़ा क्या मिलेगा तो सज़ा को दो डिविज़न कर दिया गया है पहला या तो डेथ होता है या डेथ नहीं होता है ठीक है अगर मान लेते हैं पहला केस को लेते हैं कि अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिट करने के दरमियान में पर्सन का डेथ हो जाता है किसी पर्सन का डेथ हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में जो पनिशमेंट होगा वो पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाएगा ऑफेंडर को या तो डेथ पनिशमेंट या इम्प्रजमेंट फॉर लाइफ ठीक है ये दोनों में से कोई एक अवॉर्ड किया जाएगा और साथ ही साथ फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा डेथ हो गया और उसके साथ फ़ाइन या इम्प्रजनमेंट फॉर लाइफ और उसके साथ फ़ाइन और फाइन जो होगा वो कम से कम दस लाख रुपए होगा और अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है लेकिन मिनिमम दस लाख रुपए दस लाख रुपए से कम का फाइन नहीं होगा वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज क्राइम को कमिट करने में अगर डेथ नहीं होता है यानी कोई एनी अदर केस में वैसे केस में ऑफेंडर को पनिश किया जाएगा इम्प्रजमेंट और जो इम्प्रजनमेंट होगा वो मिनिमम पाँच साल का होगा यानी पाँच साल से कम का इम्प्रजनमेंट उसे नहीं दिया जाएगा जो कि एक्सटेंड करके लाइफ इम्प्रजनमेंट तक भी दिया जा सकता है यानी पाँच साल से लेकर उम्र कैद तक और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा और फाइन का जो अमाउंट होगा वो पाँच लाख रुपये से कम नहीं होगा ये सज़ा थी उन सिचुएशन में जहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम को कमिट किया जा रहा है अब सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट नहीं किया जा रहा बल्कि अपडेट किया जा रहा है अटेम्प्ट किया जा रहा कोशिश किया जा रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए कंस्पायर किया जा रहा है या हेल्प किया जा रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम का कमीशन के लिए तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन को सज़ा दी जाएगी इम्प्रजनमेंट वो और वो इम्प्रजनमेंट मिनिमम पाँच साल का होगा ही और एक्सटेंड करके वो एम्प्रजनमेंट फॉर लाइफ तक भी हो सकता है ठीक है यानी उसको सज़ा पाँच साल से लेकर एम्प्रजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाएगा और सज़ा के साथ साथ एम्प्रजनमेंट के साथ साथ उसे फ़ाइन भी दिया जाएगा फ़ाइन भी इम्पोज़ किया जाएगा और जो फ़ाइन होगा वो मिनिमम पाँच लाख रुपये होगा पाँच लाख रुपये से कम फाइन नहीं होगा अब ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया नहीं जा रहा बस कोई पर्सन है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन को सज़ा दी जाएगी पनिश किया जाएगा इंप्रजनमेंट जो कि कम से कम पाँच साल का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रजनमेंट फॉर लाइफ होगा और साथ ही साथ उसे फ़ाइन भी इम्पोज़ किया जाएगा फ़ाइन कम से कम पाँच लाख रुपये होगा फाइन पाँच लाख से कम नहीं होगा अब अगला सिचुएशन ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन को यानी ऑफेंडर को हाइड करता हो या हार्बर करता हो अपने घर में पनाह देता हो जगह देता हो ऑफेंडर कौन सा ऑर्गेनाइज क्राइम को कमिट करने वाला ऑफेंडर ठीक है ऑर्गेनाइज क्राइम को कोई कमिट किया कोई पर्सन जिसे आप ऑफेंडर भी कह सकते हैं उस ऑफेंडर को कोई पर्सन हार्बर करता है अपने घर में रखता है या छुपा देता है तो ऐसे पर्सन को जो छुपा रहा है उसे सजा दी जाएगी पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाएगा और जो पनिशमेंट होगा इंप्रजनमेंट होगा इंप्रजनमेंट मिनिमम तीन साल का होगा और एक्सटेंड करके तो वो कम से कम तीन साल से लेकर इंप्रजमेंट फॉर लाइफ तक का होगा और साथ ही साथ फाइन भी दिया जाएगा जो कम से कम पाँच लाख रुपए होगा ठीक है और ये जो छुपाने वाली बात है ना जो पर्सन हार्बर कर रहा है या कंसील कर रहा है ये उस पर्सन के कैटेगरी में ऑफेंडर का स्पाउस नहीं आएगा मान लेते हैं ऑफेंडर हस्बैंड है तो उसका स्पाउस वाइफ हो जाएगी और अगर ऑफेंडर वाइफ है तो उसका स्पाउस हसबेंड हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में जो स्पाउस होगा उसके ऊपर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है वो सज़ा का हकदार नहीं होगा ठीक है स्पाउस के अलावा जो भी पर्सन कंसिल करेगा हार्बर करेगा उसे पनिश किया जाएगा लेकिन स्पाउस को पनिश नहीं किया जाएगा अगला सिचुएशन है ऐसा पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आया है एक ऑर्गेनाइज क्राइम को कमिट करने में ऑर्गेनाइज क्राइम का कमीशन किया गया ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट किया गया और प्रॉपर्टी को डिराइव किया गया और उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में कोई पर्सन है तो ऐसे पर्सन को सज़ा दी जाएगी पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट जो कि मिनिमम तीन साल का होगा और जिससे एक्सटेंड किया जा सकता है ज्यादा मैक्सिमम सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जा सकता है और साथ ही साथ उस पर्सन को फाइन भी इम्पोज किया जाएगा जो कि कम से कम दो लाख रुपये होगा ठीक है नॉट लेस देन टू लाख रुपीज अगला एंड लास्ट सिचुएशन है कोई भी पर्सन एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर के बिहाफ पे वो किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में हो तो ऐसे पर्सन को सजा दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट जो कि कम से कम तीन साल का होगा और मैक्सिमम दस साल तक का उसे सजा दी जा सकती है इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है जो कम से कम एक लाख रुपये का हो तो ये था इस वीडियो में हम लोग का सेक्शन 111 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद